कहा जाऊंगा, अगर कोई झूठ बोले तो मैं बोलूंगा। एक चीज बोलना चाहूंगा, आज तक का हमारा सबसे बेस्ट टाइम यही था कॉलेज में, और इतना प्यार और इतनी लगातार। वाइब ना वो बहुत मैटर करती है, इतनी एनर्जी है सब में और इतना प्यार है कि सभी मुस्कुरा रहे हैं। और मैं जब वेट कर रहा हूँ अंदर जाने के लिए और इंटरेक्ट करने के लिए सबसे, और रीना मेहता कॉलेज है, मैंने बहुत सुना है और आज आने का मौका भी मिल गया। मैंने बहुत किया सर, मैं सोचता नहीं था कि मैं जीतूंगा, मैं जीता जाता था, मैं सेकंड या थर्ड आता था, फर्स्ट नहीं आया कभी। मैं तो बहुत, मेरी लाइफ ही आई थिंक कॉलेज फेस्ट और स्कूल से ही मैंने शुरू कर दिया था। मैं अपनी लीडर होती थी फैशन शोज कराने में, डांस कराने में, सबको ड्रेसअप कराने में, घर से कपड़े वपड़े लेके जाती थी उस टाइम, बनाती भी थी। सो इनफैक्ट मैं अपने कल्चरल क्लब की प्रेसिडेंट भी थी। सो इन जब भी मैं कॉलेज में आती हूँ और फेस्ट देखती हूँ, आई गेट वेरी नॉस्टैल्जिक और मुझे मन होता है कि मैं खुद ही पार्ट ले लूँ, बिकॉज दोज डेज वर रियली द बेस्ट। यू नो कॉलेज डेज तो वापस नहीं आते, और एक बहुत अलग, जैसे सनी, वो बहुत अलग एनर्जी और एक्साइटमेंट होती है स्टूडेंट्स की, एंड स्टूडेंट लाइफ लाइक नेवर कम्स बैक। एक्साइटमेंट है और पता है जितना प्यार लोग दे रहे हैं, सबसे अच्छी बात है कि जब लोग कनेक्टेड हैं और इतना प्यार देते हैं हर एक हमारी मूवीज़ को और हर एक रोल जो हम प्ले करते हैं, आई थिंक वो एक एक्साइटमेंट डबल कर देता है। तो बस वेट कर रहे हैं रिलीज़ का। सर फिल्म इस बार कॉमेडी तो है ही, बट मॉम्स के आसपास रिवॉल्व होती है कहानी, और कभी ज़्यादा दिखाई नहीं गई है, बट अब ह्यूमरस साइड से मॉम की नोक झोंक, मॉम का प्यार, मॉम का प्रोटेक्टिवनेस, हर चीज़ दिखाई जाएगी, और बच्चे कैसे चुपके प्यार करते हैं, बाकी चीज़ें होती हैं, मॉम को मनाते भी हैं। हाँ, मनाते भी हैं, बहुत चीज़ें होती हैं, फैमिली पैकेज है बेसिकली। हाँ, फुल ऑन। रोल क्या है, किरदार क्या है? सर एक पंजाबी लड़का है और नॉर्थ साइड पे बेस्ड है कहानी, और आमतौर पे जैसे लड़के होते हैं और कॉलेज में कैसे आप देखो इस तरीके का है, और कहीं ना कहीं ममाज बॉय भी है, और बड़ा नॉर्मल इंसान और नॉर्मल लड़का है। मेरे कैरेक्टर का नाम है सांझ और वो दिल्ली की एक लड़की है, कॉलेज गोइंग, इंजीनियरिंग कॉलेज में वो पढ़ते हैं दोनों, पुनीत और सांझ, और वहीं से उनका रोमांस शुरू होता है। और जैसी देसी लड़कियां होती है, आई थिंक बॉम्बे की लड़कियां और दिल्ली की लड़कियों में फ़र्क भी बहुत होता है। लाइक मैं खुद को थोड़ा बॉम्बे का मानती हूँ, और सनी और मैं, हम दोनों मतलब अर्बन सिटी से, कलकत्ता, बॉम्बे। सो ऐसा कैरेक्टर मैंने प्ले भी नहीं किया है। सो वो देसीपन है उसमें, थोड़ी फायरी है, बबली है और बहुत बात करती है, और बस कैसे वो अपनी मम्मी से लड़के और बॉयफ्रेंड से कैसे मतलब उनको मिलाती है, कन्विंस भी कर लेती है, और एक बहुत क्यूट लव स्टोरी है। मैं एक्चुअली मेरे को पता नहीं लगा, मैं कॉलेज में मतलब जब आया तो CR बन गया, और मुझे भी नहीं पता किसने बना दिया, और मेरे को बोल, मैं उसके बाद मैंने बोला भाई क्यों बनाया, तो कहते पता नहीं, बस मस्ती की, उसके बाद शरारतें की, मतलब एक साल आई थिंक हार्डली मैं कोई कॉलेज में रहा हूँ, मैं करस्पॉन्डेंस की थी बिकॉज एक्टिंग डांस वांस था, क्लासेस गया हूँ। जब स्कूल में था तो स्कूल में टिकता नहीं था, हर शरारती बच्चे के जैसा मैं भी शरारती बच्चा था।
मैं बहुत ज़्यादा अच्छी, मैं ऐसी लड़की थी जिसको स्कूल जाना और कॉलेज जाना बहुत पसंद था। मैं रोती थी जब छुट्टी होती थी, सो आई यूज़ टू लव। मैंने पढ़ाई वढ़ाई में भी मैं काफ़ी ठीक ठाक थी, मतलब टॉप टॉप किया हुआ मैंने स्कूल का। इनफैक्ट मेरी टीचर्स मुझे बुला के बोलती थी, मैंने मॉडलिंग बहुत यंग एज से शुरू कर दी थी, सो दे वुड कॉल मी एंड से दैट यू आर सो गुड इन योर स्टडीज, सो तुम्हें क्यों ये सब करना है। तो ये सब मतलब ऐसे बोलते थे कि जैसे एक्टर्स तो इंटेलिजेंट हो ही नहीं सकते। सो आई सेड आई नो कि मैं पढ़ाई में अच्छी हूँ, बट ये मुझे करना ही है। आई वॉज लाइक एन ऑलराउंडर इन अ वे। सर सबसे वैलेंटाइन डे जैसे आपने भी मनाए होंगे, तो वो मनाने के फ्रेंडशिप बैंड्स लेके घूमते थे कलर कलर के, या फूल लेके कोई मेरा दोस्त घूमता था, किसी की हेल्प कर देते थे, या कभी ऐसे ही दे देते थे, तो बड़े एक प्यारे नोट पे था। सर आप क्या कहेंगे सर कि लास्ट टाइम से काफ़ी बड़े स्केल पे मृदंग हो रहा है, फिल्म स्टार्स आए हैं, फिल्म प्रमोशंस करने हैं, वेरी हैप्पी फ्रॉम RMC, फ्रॉम स्टाफ, फ्रॉम स्टूडेंट्स, फ्रॉम एवरीबडी। आई विश कि इनकी मूवी 100 ने 200 करोड़ के क्लब में पहुंचे। आई विश देम दैट। और हम अगले साल फिर आए। यस, अगले साल आप फिर आए, आप हमारे मेन स्टेज पे, हमारे ग्राउंड पे आ पाएं। उसके अलावा मृदंग में इस बार सनबर्न कैंपस हो रहा है, जो मीरा भाईंदर के स्टूडेंट्स के लिए और मीरा भाईंदर की जनता के लिए बहुत बड़ी चीज़ है। आई डोंट थिंक सनबर्न आज तक कभी बोरीवली के आगे कभी आया है कैंपस, तो दैट्स अ बिग थिंग दैट वी आर डूइंग दिस ईयर, एंड आई एम रियली हैप्पी एंड आई एम प्राउड ऑफ माई स्टूडेंट्स। थैंक यू सर।